इससे पहले हमने देखा कि किन्सु लोग ड्रैगन एलिफेंट डीमन के बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं और किन्सु फैंग को किडनैप कर लिया होता है क्योंकि उससे थोड़ा सा खतरा होता है। लेकिन वहीं पर अपने सीनियर सिस्टर को किडनैप देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किन्सु से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट यह होता है कि वही लोग बहुत ही बुरी तरह से पीट जाते हैं, इसलिए अब वो लोग भाग कर मदद बुलाने के लिए जाने लगते हैं, जिसमें किन्सु उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन तब तक फैंग खुद को छुड़ा कर किन्सु को एक तरह के तूफान में फंसा देती है, जिससे उसके लोगों को टाइम मिल जाता है और वो लोग भाग जाते हैं मदद बुलाने के लिए। वहीं पर किन्सु उसका तूफान में से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका सभी का सभी मेहनत पानी में चला जाता है। लेकिन तभी वो अपना फॉरबिडन सुप्रीम स्किन का यूज करके उसमें से निकल ही जाता है, जिसे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है और अब दिखाया जाता है कि किन्सु अपना फॉरबिडन सुप्रीम स्किन का यूज करके उसके कैद में से आराम से निकल गया होता है, जिससे उसका पूरा का पूरा कपड़ा फट जाता है। इसलिए अब वो नया ड्रेस पहनकर वहाँ पर मौजूद वर्डलेस स्टील प्लेट को लेने जाता है और फैंग को उसी को तूफान में फंसा देखकर कहता है कि तुम वहीं से शो को एंजॉय कर सकती हो। ये बोलकर किन्सु उसे लेने के लिए चला जाता है और वो उसे लेने के लिए फिर से अपने युवान पल का यूज करने लगता है, जहां पर वो वर्डलेस स्टील प्लेट उसमें जाने से रजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि किन्सु पहले भी एक स्टील प्लेट को ऐसे ही कैद कर लिया है, इसलिए वो उसको भी कर ही लेता है। दूसरी तरफ अपने तूफान में फंसे हुए वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगी होती है कि दूसरों को नहीं पता लेकिन हम त्यांदो वाले जानते हैं कि वर्डलेस स्टील प्लेट का ओरिजिन भी काफी ज्यादा ग्रेट है और वो भी बुक ऑफ हेवन वाले जगह से आया है। इतना बोलकर वो खुद से कहती है तो कहीं इसका मतलब 1899 मेरे सीनियर ब्रदर से भी बेटर है। वो लोग वहाँ पर चिट चैट कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जगह बदल जाता है और वो लोग एक पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो देखकर वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में त्यांदो एकेडमी को दिखाते हैं, जहाँ पर गु त्यांदो युवा के सभी लोगों को काफ़ी आराम से पीट कर रख देता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों के जैसा चीटी हमारे त्यांदो एकेडमी को चैलेंज करने का वर्दी नहीं है, तुम्हारा जनरेशन का युवा सच सच में काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है। वहीं पर अपने बारे में वो सब सुनकर युवा के डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उससे कहने लगे होते हैं कि ज़्यादा एरोगेंट मत हो, अभी युवा का सन ऑफ गॉड पहुंचे नहीं है, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो तुम लोग कहीं कभी नहीं रहोगे। ये सुनकर गु त्यांदो और ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर युवा का सन ऑफ गॉड क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर सिक्स और फोर्थ सन ऑफ गॉड आ जाते हैं, उन्हें देखकर युवा वालों को एक उम्मीद नजर आ जाती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। वहीं पर फोर्थ आकर उससे पूछते हैं कि पहले कौन जाएगा, सिक्स कहता है कि पहले मैं जाता हूँ। उनकी बातें सुनकर गु त्यांदो कहता है कि एक एक करके आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। उसका ये बात सुनकर सिक्स कहता है कि तुम्हारा एरोगेंट कैरेक्टर बिल्कुल 18 सन ऑफ गॉड के जैसा ही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम उसके जैसा ताकतवर हो या फिर उसके जैसा ताकतवर नहीं हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने चला जाता है लेकिन उससे गु त्यांदो को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और वो अपना बचाव करने के लिए वहां से हटता भी नहीं है और वो उससे कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड भी मुझसे कंपेयर करने का वर्दी कब से हो गया। ये बोलकर वो उसका अटैक को काफी आराम से ब्लॉक करके उससे कहता है कि मेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है। ये बोलकर वो उसी पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है और फेंकते हुए कहते हैं कि अगर तुम दोनों एक साथ नहीं आओगे तो अगर तुम लोग मारे वारे जाओगे तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वो देखकर फोर्थ कहते हैं कि त्यांदो का डिसेंडेंट तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर निकला, तो लगता है कि पास्ट के बैटल में इसीलिए हमें ज्यादातर हार का सामना करना पड़ता था। वहीं पर अपने सिमुलेशन से सिक्स अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने ह्यूमनॉइड वेपन का यूज करके फिर से उस पर अटैक करने चला जाता है। वो देखकर गु त्यांदो कहता है कि लगता है कि मार खाई बिना तुम समझोगे नहीं। ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाकर उसे कुचल देता है। इसके बाद सीन फिर से किन्सु लोगों की तरफ मुड़ती है, जहां पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग कहां पर आ गए हैं, लेकिन उनके सामने एक किताब रखी होती है जिसे देखकर फैंग काफी ज्यादा चौंक जाती है। किन्सु पहले वहां की चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर वहां से निकलने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो जाकर उस बड़े से दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है, इसलिए अब वो अपने स्पीयर का यूज करता है और वो उसका पूरा पावर का यूज करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसका रिजल्ट नहीं बदलता है, जो देखकर किन्सु काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए वो उससे पूछते हैं ककरिया कौन सा जगह है, उसके जवाब में फैंग कहते मुझे नहीं पता। ये सुनकर किन्सु उसका गला दबाकर उसे दीवार से पटकते हुए कहता है कि यहाँ पर एंटर करना तुम्हारे बुक ऑफ हेवन के पावर का यूज करने से रिलेटेड होगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैंग उससे कहते कि चुपचाप मुझे मार क्यों नहीं देते हो। किन्सु उससे कहते कि अगर तुम्हें वहां से डर नहीं लगता है तो कहीं तुम ये तो नहीं सोच लिया हो ना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो उसका ड्रेस को फाड़ देता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पर किन्सु उससे कहते कि अगर तुम फिर भी नहीं बताती हो तो मैं तुम्हारे पूरा कपड़ा को फाड़ कर तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगा, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो उसे गाली वाली देने लगती है। लेकिन वहीं पर किन्सु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से फाड़ते हुए कहते कि तुम बताओगी या नहीं बताओगी, इसलिए अब हार मानकर बताने के लिए तैयार हो जाती है और बताते हुए कहते कि मेरे हिसाब से ये सुलिंग पैलेस होगा।
हालांकि मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ, लेकिन यहाँ के एटमोसफियर उसी का जैसा लग रहा है जैसा बताया गया था। ये सुनकर किन्सु उससे सुलिंग पैलेस के बारे में पूछता है कि आखिर ये कैसा जगह है। वो बताती है कि सुलिंग पैलेस त्यांदो एकेडमी का सबसे सीक्रेट जगह है। जितना बार भी त्यांदो एकेडमी ओपन होता है उतना बार सुलिंग पैलेस अपीयर होता है और एकेडमी का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल यहाँ पर एंटर करके हेवनली बुक की स्टडी कर सकता है और अगर उसमें से कोई लकी हुआ तो वो बुक का सोल को भी ऑब्टेन कर सकता है। वो सब जानकर किन्सु दूसरा सवाल पूछता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। इसका जवाब में वो कहे थे कि ये शायद उससे रिलेटेड होगा जहाँ पर हम लोग थे। हेवनली बुक का मैजिक सिर्फ उसी जगह पर यूज किया जा सकता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर जैसे एटमोसफियर हो। मुझे वहाँ पर ऐसा फील हुआ था कि वो वातावरण यूज करने के लिए सही होगा। अगर मैं गलत गेस नहीं कर रही हूँ तो शायद वहीं पर सबसे पहले हेवनली बुक लैंड किया होगा और उस जगह का कनेक्शन सुलिंग पैलेस से होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। किन्सु उसकी सभी बातें सुनकर आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब जबकि हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए बाहर निकल नहीं सकते हैं तो अब मैं तुम्हारा त्यांदो एकेडमी के सबसे बड़ा चांस को हासिल करने जा रहा हूँ। उसकी वो बात सुनकर फेंग उससे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। हालांकि सुलिंग पैलेस में मौजूद हेवनली बुक का सिर्फ प्रोजेक्शन है लेकिन उसे समझना फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आम लोग तो उसे समझने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। दूसरी तरफ किन्सु उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़कर उस किताब को लेने जाता है लेकिन वो देखकर फेंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे वो गधे कहेंगे, वो किताब समझने के लिए है और वो एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है, तुम उसे अपने हाथ से कैसे पकड़ सकते हो, वैसा करके तुम उसको इंसल्ट कर रहे हो, इसलिए ब्लैकलिस्ट के लिए तैयार रहना। ये सुनकर किन्सु उससे कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन तभी उसका दूसरा कॉन्शियसनेस निकल जाता है जिससे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है। वहीं पर उसका दूसरा कॉन्शियसनेस किताब की तरफ में एक तरह का लाइट बीम से अटैक जैसा कुछ करता है जिससे उस किताब के चारों तरफ में जो प्रोटेक्टिव शील्ड लगा होता है वो गायब हो जाता है, जो देखकर किन्सु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस किताब को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेता है। वहीं पर ये देखकर फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लगी होती है कि आखिर वो उसे अपने हाथ से पकड़ कैसे सकता है, ऐसा तो हमारे एकेडमी में भी कोई कर नहीं पाया है। वहीं पर किन्सु उस किताब को खोलकर पढ़ने लगा होता है लेकिन वो उन अक्षरों को समझ नहीं पा रहा होता है। उसका कन्फ्यूजन भरे एक्सप्रेशन को देखकर फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अगर तुम त्यांदो एकेडमी के डिसाइपल नहीं हो तो तुम उस हेवनली बुक के शब्दों को समझ नहीं पाओगे, जितना कुछ भी तुम किए हो वो सबका सब बेकार हो गया है। ये सब वो सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन तभी किन्सु का दूसरा कॉन्शियसनेस फिर से अपना जादू दिखाता है जिससे अब किन्सु को वो किताब समझ में भी आने लगी होती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहीं पर ये देखकर फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और चिल्लाने लगी होती है कि ये सब तो इम्पॉसिबल है और उसे बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है। इसके बाद फिर से उसके अकेडमी का सीन को दिखाते हैं जहाँ पर गु त्यांसु युवा के बाकी के डिसेबल के साथ साथ फोर्थ और सिक्स सन ऑफ गॉड को भी धोकर रख दिया होता है और सिक्स सन ऑफ गॉड पर अपना पैर रखकर कह रहा होता है कि मैंने पहले तुम लोगों को एक साथ आने के लिए बोला था ना लेकिन तुम लोग नहीं सुने, इसलिए अपने ह्यूमिलेशन का जिम्मेदार तुम लोग खुद ही हो। वो सभी कुछ सुनकर और देखकर सिक्स सन ऑफ गॉड को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे हार गया है। वहीं पर इन सबसे गुस्से में फोर्थ भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो खुद ही पिट जाता है और गु त्यांसु उसे अपने पैर से कुचल कर उसके सर पर अपना पैर रख देता है, जो देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि युवा का सन ऑफ गॉड इतना ज़्यादा कमजोर होगा, वो लोग तो सीनियर ब्रदर को एक ढंग का फाइट भी ऑफर नहीं कर पाए हैं, वो लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा गार्बेज है। दूसरा बंदा कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सीनियर ब्रदर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी बातें सुनकर फोर्थ सन ऑफ गॉड कहता है कि युवा सेट को लुक डाउन मत करो, हमारे यहाँ काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग हैं, जब 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर आएगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। उसका मुझसे 18 सन ऑफ गॉड के बारे में सुनकर गुत यहाँ से कहता है कि आखिर ये 18 सन ऑफ गॉड है कौन जो कि इतना ज़्यादा फेमस है, तुम लोग चाहे कितने क्यों ना फेंक लो लेकिन मेरी नज़रों में तुम सभी के सभी लोग गार्बेज ही रहोगे। वो बकबक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मेंग चुआन अपने बाकी के लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जिनका की हालत किन्सु काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया होता है। उनका वैसा हालत देखकर गु त्यांसु थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि आखिर इस बार किससे पिटकर तुम लोग आ रहे हो। मेंग चुआन बता देता है कि वो लोग फिर से 18 सन ऑफ गॉड के द्वारा पिट गए हैं, जो सुनकर गु त्यांसु थोड़ा सा चौंक जाता है। ये सुनकर फोर्थ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर हंसते हुए कहने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं है और तुम्हारी अभी से ही फटने लगी है। ये सुनकर गु त्यांसु गुस्से से फिर से उसे अपने पैर से कुचल देता है और अपने लोगों से पूछता है कि जूनियर सिस्टर फेंग कहाँ पर है और उसके रहते हुए भी 18 सन ऑफ गॉड तुम लोगों को पीट कैसे दिया। इसका जवाब वो लोग देना तो चाहते हैं लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे होते हैं। उनका हिचकिचाहट देखकर गु त्यांसु चिल्लाते हुए उनसे जवाब मांगता है, इसलिए वो लोग डरते हुए बता देते हैं कि जूनियर सिस्टर फेंग किडनैप कर ली गई है। अब ये सुनकर तो गु त्यांसु काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और हैरानी से पूछने लगता है कि अगर किसने उसे किडनैप कर लिया है, वो त्यांदो एकेडमी का चीफ डिसाइपल है लेकिन फिर भी किसका इतना हिम्मत हो गया है, कहीं वो किसी बड़े शख्स से बिलोंग तो नहीं करता है ना, कहीं वो कोई इमोर्टल तो नहीं है ना। और वो काफ़ी हैरानी से पैनिक करने लगा होता है और उसका इसी तरह से पैनिक करने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।